Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to study about the topic dissociation constant of acid, जिसको हम के ए भी कहते हैं, मतलब आयंस के अंदर टूटना. एक मिनट रुक जाए. ओके, बिफोर दैट वी शुड सी के डिसोसिएशन ऑफ आयन किसे कहते हैं हम. सॉरी, डिसोसिएशन ऑफ आयन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए डिसोसिएशन ऑफ आयन किसे कहते हैं. तो बेसिकली डिसोसिएशन ऑफ आयन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड आयन्स. देखो, हमारे पास एग्जांपल में भी होता है, हमारे पास जैसे Na और Cl है, अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर के अंदर तो हमारे पास Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, मतलब आयन्स में कंपाउंड का आयन्स में टूट जाना, विच हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाना. दिस अकर व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट सच एज वाटर एंड द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इनटू पॉजिटिव चार्ज कैटाइन एंड नेगेटिव चार्ज एनायन. ये तभी होता है जब कोई वाटर के अंदर, अब इसके इस टॉपिक के अंदर हम डिसोसिएशन ऑफ आयंस ऑफ द एसिड, हम एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें इस टॉपिक से क्या मिलता है. तो डिसोसिएशन, आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि वाटर के अंदर जब हम डालेंगे किसी कंपाउंड या फिर किसी मॉलिक्यूल को, तो हमारे पास उसका आयंस के अंदर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के अंदर टूट जाना, उसको हम डिसोसिएशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास Na है और Cl है, जो कि हमारे पास टेबल सॉल्ट है, इज डिसॉल्व इनटू वाटर, इट डिसोसिएट इनटू सोडियम एंड क्लोराइड आयंस Na और Cl के अंदर. Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, जिसको हम कैटाइन कहेंगे, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको हम कैटाइन कहेंगे. यू कैन रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ़ यू फील लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन डेफिनेटली रीड फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स अवर लेक्चर. हाँ, तो हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आ गए हैं. डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड. अच्छा, द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. किसी भी आयोनाइजेशन के, अच्छा ओके गाइस, अच्छा अब हमने एक और वर्ड सुना आयोनाइजेशन. यहाँ पे हमने कुछ एक वर्ड सुना, द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स इन अ एक्वस सॉल्यूशन, आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड्स इन द एक्वस सॉल्यूशन. अगर आप देखोगे कि आयोनाइजेशन हम किसको कहते हैं, हमने वो तो देख लिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिसोसिएशन. मतलब डिसोसिएशन क्या था, कि हमारे पास डिसोसिएशन वॉज द प्रोसेस बाई विच मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर ब्रेक डाउन. आयोनाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस बाई विच अ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन आयन एक्वायरिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. मतलब ये गेन और लूज करते हैं, ठीक है, वो क्या, ये लोग क्या करते हैं, आयोनाइजेशन के अंदर हमारे पास गेन और लॉस होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिसोसिएशन के अंदर वो टूटता है एनाइन और कैटाइन बनने के लिए, ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल और एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन विद अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, अच्छा दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यू कैन read it if you want to, but we should move towards our lecture first. The ionization of acids in an aqueous solution refers to a reversible reaction. Reversible reaction ka matlab hota hai jo ke forward bhi chale aur backward bhi chale. We can write the equilibrium reaction of ionization of acids. Matlab kabhi bhi jab bhi hamare paas ek acid ke andar, matlab kabhi bhi jab कोई भी एसिड जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, और तो वहाँ पे तब भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. इसके अंदर क्या होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जब कभी भी हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे. अब यहाँ पे HA हमारे पास एक एसिड है, जो कि हमारे पास बेस के साथ मिलके हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड बना रहा है, कॉन्जुगेटेड बेसिस बना रहा है. तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, टू द एसिड आयन इक्विलिब्रियम. अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, केसी जो होता है वो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और इसको लॉ ऑफ मास एक्शन का एक फॉर्मूला होता है, जिससे प्रोडक्ट अमाउंट रिएक्ट है. और रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट को हम पहले लिख देंगे ऊपर और रिएक्टेंट को हम नीचे लिख देंगे. अब यहाँ पे जब भी H2O आता है, तो H2O हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट केसी कांस्टेंट के साथ मिलके एक और कांस्टेंट बना लेगा, जो कि हमारे पास होगा Ka कांस्टेंट. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड HA
HAV assume that concentration of the liquid water is constant और constant constant के मिल के साथ एक नया constant बनाता है जिसको हम Ka कहते हैं. Ka is also a constant. हमारे पास सिर्फ ये equation बच गई और Ka हमारे पास एक और constant है तो इसको हम dissociation constant of acid कहते हैं. I hope this makes sense. अच्छा दूसरा हम लोग पढ़ेंगे dissociation constant of base पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ये वाला हम टॉपिक कवर करेंगे तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दैट.